अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विवाद न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की अहम और ख़ास खबरें। बड़ा दिन है, एक महान व्यक्ति का आज जन्म हुआ। उनका नाम है कल्लोकुंटी चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के सीएम है और आज सीएम है। मगर आज बाबा यूसुफ बाबा के दरगाह पे आज तलसानी श्रीनिवास यादव साहब आकर चादर चढ़ाए, दुआएं मांगे कि हमारे सीएम कल को पीएम होना बोल के। उसी तरीके से आज हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे टीआरएस जनरल सेक्रेटरी बंडी रमेश साहब, सिद्दीकी साहब, लक्ष्मीनारायण साहब, दयानंद साहब, जक्की भाई, हमारे नईम भाई, बासित भाई, अश्विन भाई, असलम भाई, पूरे सीनियर लीडर्स के साथ हम लोग यहाँ आज प्रदीप भाई, नरेंद्र बिल्लम पूरे जने आज यहाँ यूसुफ बाबा दरगाह कने आके चादर चढ़ा के साहब के शहीद के लिए दुआएं मांगे। और साहब बहुत अच्छे तरीके से रहना साहब का ये देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र जो है पीएम बने हुए जो 10 साल से हुकूमत चला रहे पूरे देश को तीरा बिंगा कर डाले, तो बीजेपी के जो भी गवर्नमेंट चल रहा उस गवर्नमेंट को रिप्लेस करना है तो सिर्फ केसीआर साहब ही कर सकते। केसीआर साहब ही पीएम के पोजीशन पे जा सकते। केसीआर साहब के इतने पदकम से जो पब्लिक उनको दिल से चाहिए है, अभी दलित बंधु भी पदकम है, बहुत 19% पब्लिक इंडिया में है उनको, मगर कोई देख बात नहीं है। तो हमारे केसीआर साहब की सोच हर गरीब को कुछ ना कुछ घर पे एक पदकम पहुँचता है। तो ये पूरा इंडिया में पहले गुजरात रोल मॉडल था, मगर 7 साल में अपना तेलंगाना एक रोल मॉडल बन गया। अभी तेलंगाना का सीएम बोल तो पूरे इंडिया में नंबर 1 सीएम है। आज नहीं तो कल हमारे साहब पीएम बनते, 100% पीएम बनेंगे। और यूसुफ बाबा के दरगाह के ने साहब के ऊपर जो चादर चढ़ाए बाबा के ऊपर, उनके दुआएं भी रहेंगे साहब के लिए, साहब के लिए शहीद मन रहेंगे। बाबा के दरबार में जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो साहब के बाबा के दुआओं से साहब पीएम 100% बनेंगे। उनके अभी जो तरीके से चल रहे वो पब्लिक के चाहने वाले, पब्लिक चारी की एक बदलाव आए, देश में एक बदलाव आए। अच्छा सीएम जाके पीएम बनना बोल के आप सबको, मैं आप सब यहाँ आए सो सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको हमारे केसीआर साहब के लिए दुआएं करो बोल के सबको मैं आमीन आमीन गुजारिश कर रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर। उनकी उम्र दराजी के लिए असीमत और मोहब्बत के साथ हम तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं हमारी हाजिरी को कबूल फरमाएं। जितने भी रुकावटें उनकी तरक्की के बीच में आ रही हैं तमाम रुकावट को दूर फरमाएं। इस मौले करीम हमारे मजलिस में जो मौजूद है, मौले करीम श्री निवास यादव साहब के भी सर के कान का
श्रीनिवास साहब को जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर जमा हुए हैं तमाम के लिए खैर के फैसले फरमाएं, तमाम के लिए जय इस दुआ करा नहीं इसके बाद करा आनंद साहब को, आनंद भाई को, आनंद साहब को डालो जी, आनंद 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 भाई डालो, आओ जी सर, सबको 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 आप डाल दो आप ही डाल दो इमाम साहब, दौर में बस रोक दो, दौर में हेलो मैम, हां भाई, हां ले लो ले लो ले लो पैसे ले लो साहब, इधर से गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी, बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव्ड और ISO सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफा याब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिंसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दिगर अमराज का मुकम्मल और जनाना मरीजों के लिए अलायदा लेडी डॉक्टर की भी सहूलत है। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार। मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना। हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड। बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड। थिंक मोबाइल, थिंक सेल वर्ल्ड। अपोजिट चार मीनार बस स्टैंड, हैदराबाद। सेल वर्ल्ड।